तो जितने भी स्टेंट रिजल्ट आने के बाद अपने नंबर्स असंतुष्ट हैं, और बहुत सारे ऐसा ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पे एक से दो विषय में यहाँ पे जो कि फेल हो चुके हैं 2 से 3 नंबर के चलते। अब यहाँ पे देखिए उन सभी छात्र जो कि दोबारा से कैसे पास हो सकते हैं जो फेल हो गए हैं, और जिनका नंबर कम है वो अपना नंबर जो कि और ज़्यादा कैसे जो कि बढ़वा सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के गूगल के ब्राउजर को ओपन करना, यहाँ पे आप सभी को सर्च करना आरकेट एग्जाम। क्या सर्च करना? आरकेट एग्जाम लिख करके आप सभी को यहाँ पर सर्च करना है। उसके बाद सारा जानकारी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरह से आप लोग जो कि दोबारा यहाँ पर पास हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना आरकेट एग्जाम .com पर। तो जैसे आप लोग यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप पेज ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा करना नीचे कूर, और यहाँ पे आप सभी के जो आर्टिकल से आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मैट्रिक में फेल हो गए अपना नंबर जो यहाँ पे किस तरह से बढ़वा सकते हैं, और फिर से जो यहाँ पे पास हो सकते हैं, और जिनका नंबर कम है वो भी अपना नंबर यहाँ पे जो कि बढ़वा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा पेज ओपन होगा। उसके बाद सारा जानकारी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरह से आप अपना नंबर यहाँ पे जो कि बढ़वा सकते हैं, सारा जानकारी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सारा जानकारी आप लोग को जो कि बताया गया किस तरह से आप अपना नंबर यहाँ पे खुद से बढ़वा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार में मैट्रिक रिजल्ट में फेल छात्र फिर से कैसे हो सकते हैं पास। यहाँ पे देखिए जो भी विद्यार्थी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 यानी 10 नंबर से यहाँ पे फेल हो गए उन सभी जो कि दोबारा से यहाँ पे पास हो सकते हैं, उसके लिए सारा प्रक्रिया यहाँ पे जो कि बताया गया। तो जाइए गूगल पे सर्च कीजिए आप लोग आर्किट एग्जाम, और सारा आर्टिकल्स को आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या क्या जानकारी जो कि यहाँ पे बताया गया। जो भी स्टूडेंट का यहाँ पे नंबर कम है अपना नंबर यहाँ पे बढ़वा सकते हैं, और जो स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो गए हैं वो भी अपना नंबर यहाँ पे जो कि बढ़वा करके अपना दोबारा से जो कि यहाँ पे पास हो सकते हैं। देखिए कितने भी सेमे का पार्टमेंटल का आप लोग यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, सारा जानकारी आप लोग को जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कितने भी सेमे फेल होने पर आप लोग यहाँ पे कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर 2 विषय में अगर आप लोग फेल हैं तो अब यहाँ पे कंपार्टमेंटल का आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। अगर 3 विषय में फेल हैं तब यहाँ पे आपका कंपार्टमेंटल का एग्जाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप उसके लिए आपको अगले साल जो कि एग्जाम देना होता है। तो सारा जानकारी आप लोग को इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा, कब से आपका जो कि फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, कब से इसका जो कि एग्जाम होगा, सारा जानकारी आप लोग जो कि यहाँ पे दिया गया। तो जाइए गूगल पे सर्च कीजिए आप लोग आर्किट एग्जाम, यहाँ सारा जानकारी आप लोग जो कि ले सकते हैं। यहाँ पे जो कि यहाँ पे स्कूटनी अप्लाई करने का जो लिंक है यहाँ पे आपका जो कि अवेलेबल करवाया गया, सारा जानकारी आप लोग को जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, गूगल पे सर्च करना आर्किट एग्जाम, क्या सर्च करना आर्किट एग्जाम, आप सभी को यहाँ पे सर्च करना है, और सारा जानकारी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फेल हैं उनका नंबर जो कि यहाँ पे किस तरह से बढ़ेगा, और दोबारा से जो कि यहाँ पे पास हो सकते हैं। तो गूगल पे सर्च कीजिए आर्किट एग्जाम, और इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिया गया वहाँ से भी आप जो कि डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। अगर जो भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को ज्वाइन हो जाना है, और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है वहां भी आप लोग को ज्वाइन हो जाना है, वहां पे भी आप सभी को जो जानकारी है सबसे पहले आप लोग को जो कि दे दिया जाएगा।